The Safa Masjid Committee Ponda has decided not to have namaz at Safa Masjid during the coming month of Ramzan. Every year, the devotees used to pray at the Safa Masjid and break the fast. This time, in view of the coronavirus pandemic, Maulana Qadri has appealed to the devotees to pray at home and break the fast there itself. He also appealed to the people to celebrate Eid at home. आज कोविड 19 कोरोना वायरस की वबा से जो सारी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के लोग इस बीमारी से बहुत परेशानी और मुसीबत में हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि आने वाले रमज़ानुल मुबारक मुकद्दस महीने की बरकत से अल्लाह ताला सारी दुनिया से इस वायरस को, इस बीमारी को दूर फरमाए, और जितने भी लोग इस बीमारी और इस वबा से परेशान हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना चंद दिनों में शुरू होने वाला है। तकरीबन शनिचर से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा, और इस मुकद्दस महीने में हम तरावी का अहतमाम करते हैं, सारे दुनिया के मुसलमान रोज़ा रहते हैं। हर साल ये देखा जाता था कि मस्जिदों में इफ्तारी का अहतमाम हुआ करता था, और कसरत के साथ कसीर तादाद में लोग मस्जिद में आते थे, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते थे। लेकिन इस साल ये जो वबा है कोविड 19 की वजह से, साफा मस्जिद कमेटी ने और दीगर तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला लिया है कि हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत अपने घरों पर करेंगे। इफ्तारी जो हम हमेशा हर साल मस्जिद में किया करते थे, इफ्तार के वक्त मगरिब की नमाज़ हम मस्जिद में अदा करते थे, इस वबा की वजह से, इस बीमारी और इस वायरस की वजह से हम अपने घरों पर अल्लाह की इबादत करेंगे और इफ्तार भी अपने घरों पर करेंगे। हमने ख़ुद लोगों को आगाह किया है, लोगों से अपील किया है, साफा मस्जिद कमेटी ने ये अपील किया है लोगों से कि बराए मेहरबानी रमज़ानुल मुबारक में वो अपने घरों पर नमाज अदा करें। जुमा की दिन भी लोग मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। जितने लोगों को हुकूमत की तरफ से मस्जिद में आने की इजाज़त है, उतने ही लोग मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत करते हैं, और उतने लोगों से ही मस्जिद को आबाद रखा गया है। लिहाजा आज ये ज़रूरत है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट संजय नाइक पोंडा।